इससे पहले कि आज का सेशन शुरू हो, एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए। अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा प्रोफाइल है मनीष कुमार के नाम से, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई है कि मैंने क्या किया है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बीटेक कर रखा है सिविल से और अभी तक का 5 साल का तजुर्बा है टीचिंग में, और फिलहाल मैं अभी NFR में भी वर्किंग हूँ, यानी कि इंडियन रेलवे में भी वर्किंग हूँ। काफ़ी लो कॉस्ट में यहाँ पे अच्छे से अच्छे एडुकेटर आपको गाइड करने के लिए हैं। और यहाँ पे अगर बात करें रेलवे या SSC या जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है या इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए इस तरह से यहाँ पे फी स्ट्रक्चर रखा गया है कि कोई भी बंदा आसानी से अफोर्ड कर सकता है। आप देखेंगे कि 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो 5,000 है, लेकिन अगर आप 24 महीने के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि 2 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो वो आपको 6,000 पड़ जाएगा। अगर आप मेरा जो प्रोमो कोड है वो यूज़ करते हैं तब ये आपको और भी लो कॉस्ट में मिल जाएगा, यानी कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं। देखेंगे कि जो 5,000 का कोर्स था वो आपको 4,500 में मिल जाएगा 1 साल के लिए, और अगर यहाँ पे देखेंगे 12 मंथ के लिए तो ये आपको 6,000 का कोर्स 5,400 में मिल जाएगा अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज़ करते हैं। इसका और भी बहुत सारा फीचर है कि यहाँ पे आपको जो भी कोर्स मिलेगा एक स्ट्रक्चर वे में मिलेगा, अच्छे तरीके से कंपाइल किया हुआ रहेगा, कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज और क्विजेज होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, डाउट सेशन वगैरह रेगुलर आपके लगते रहते हैं। नमस्कार, मैं भी स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा गर्म मुद्दा है आपके जो एग्ज़ाम हैं या आपके जितने भी वैकेंसी हैं उससे रिलेटेड। देखिए, बात चल रही है कि जो रेलवे अपना एम्प्लॉई है उसमें क्या कर रहा है कि जो नॉन सेफ्टी है या सेफ्टी कैटेगरी है उसमें कटिंग की बात कर रहा है। देखिए, एक चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है, कॉस्ट कटिंग की बात कर रहा है रेलवे। कॉस्ट कटिंग का मतलब ये है कि वो जो अपना एक्सपेंस है उसको घटाने की बात कर रहा है। एक्सपेंस मतलब कि जो खर्चा है उसको घटाने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा क्या कि जो आपकी वैकेंसी है वो डिक्रीज कर दी जाएगी, जो नोटिफिकेशन में है वो उसको मतलब कि डिक्रीज कर दिया जाएगा, या रिक्रूटमेंट होगा ही नहीं? ये सब मुद्दा है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अंदर का सिस्टम समझा देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि रेलवे एक्चुअली चाह क्या रहा है। देखिए, कॉस्ट कटिंग में क्या होता है ना कि बहुत सारे आपके जो होते हैं जो मिलते हैं रेलवे एम्प्लॉई को, जैसे रनिंग अलाउंस मिलते हैं, जो अलाउंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपके हाउसिंग का जो अलाउंस होता है, उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, उसके बाद आपके जो पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें हैं, मतलब कि रेलवे अपने एम्प्लॉई पे तथा उसके कामों पे बहुत सारा खर्च करती है। आप यहाँ से सपोज 6-7 किलोमीटर दूर कहीं काम पे गए, और ऐसा होता ही है, आप देखे होंगे कि बहुत सारे काम तो दूर दूर ही करना पड़ता है। जैसे रेलवे का पटरी, तो ऐसा तो नहीं है कि स्टेशन पे ही होगा, जितना लंबा पटरी होगा वहाँ पे जाके काम करना होगा। ठीक है, ब्रिजेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब कि होते हैं पॉइंट जहाँ पे आपको जाके काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये रेलवे एम्प्लॉई की ड्यूटी है कि वहाँ पे जाके काम करेगा ही, उसको जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस मिलेगा, प्लस उसको और भी चीज़ें हैं, अगर रिस्की में आता है तो रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। तो बहुत सारे चीज़ उसको मिलता है, इमरजेंसी ड्यूटी हो जाती है तो उसको OT भी मिलता है, यानी कि जिसको हम ओवर टाइम की बात करते हैं, खाना के लिए अलग से फिर मिलने लगता है। तो ये सब चीज़ों को मिला के हम देखें तो रेलवे का जो मतलब कि एक एवरेज सैलरी होती है ना, सपोज 30,000 किसी बंदे का सैलरी है तो 10,000 एक्स्ट्रा वेजेस बन जाते हैं इस तरह के अलाउंस के कारण। तो ये जो एक्स्ट्रा बनते हैं उसी का कटिंग की बात कर रहा है, बोल रहा है कि जैसे कि अगर TA आपको 500 मिलता है, किसी को 800 मिलता है, किसी को 1,000 रुपया मिलता है, तो उसमें 50% का कमी, यानी कि 250 मिलेगा, जिनको 800 मिलता है उनको 400 मिलेगा। तो ये कमी की बात कर रहा है, जो कि आपको डिटेल में किसी ने नहीं बताया होगा, हालांकि जो रेलवे एम्प्लॉई होंगे उन्होंने बताया होगा। तो ये एक्सपेंसेस कमी की बात की जा रही है। ठीक है, और क्या कमी की बात की जा रही है? जैसे होता ना कि एक काम के लिए 10 बंदे को भेज दिया गया, 10 बंदे को भेज दिया गया, अब 10 का एक्सपेंसेस आप समझ सकते हैं, 10 को अगर 800 से या 500 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो काम कितना में हो गया, 5,000 में हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस भी और जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यानी कि एक दिन का काम में रेलवे को 10,000, मतलब कि एक छोटा सा काम के लिए भी 10,000 एक्सपेंस करना पड़ता है। तो रेलवे यही कह रहा है कि उसको 10,000 नहीं 2,000 में काम करवाओ, ये बात कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है कि रेलवे एम्प्लॉई को ही निकाल दो या रेलवे में रिक्रूटमेंट ही नहीं होगा। ठीक है ना, और जहाँ मतलब कि जहाँ तक नॉन सेफ्टी की बात है कि नॉन सेफ्टी में कम बंदे को लेंगे, तो जो रिक्रूटमेंट के लिए वो वैकेंसी निकाली गई है उतना तो लेगा ही, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। अगर कटौती करता तो ये राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, जो कि मतलब कि विपक्ष इसको उठाएगा जिससे कि उसको फ़ायदा हो जाएगा, और जो पक्ष वाले हैं ये सोचेंगे नहीं कि ये इसको मुद्दा बना दिया जाए। ठीक है ना,
तो जो आपके फिलहाल वैकेंसी हैं उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और भविष्य में भी ऐसा नहीं है कि आपके रिक्रूटमेंट नहीं हो गए। हाँ, वो अलग बातें हैं कि आपके जो अलाउंस हैं, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पे कम कर दिया जाएगा, फालतू के जो खर्चे हैं उसको कम कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें पे डिस्कस हो रही है रेलवे का। हम लोग को क्या लगता है, यानी कि आप लोग को क्या लगता है, क्योंकि अंदर तो आपको पता नहीं कि क्या क्या चीज़ें होती है। आप लोग को लगता है कि जैसे ही मतलब कि कुछ कम करने की बात आई, आप लोग वैकेंसी के बारे में सोच रहे थे कि वैकेंसी ही कम कर देगी या वैकेंसी नहीं आएगी। तो वैकेंसी की यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है। वैकेंसी में सिर्फ नॉन सेफ्टी, जो कि बहुत कम ही वैकेंसी होती है। ग्रुप डी में तो लगभग होती ही नहीं है, ग्रुप डी का तो कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा NTPC में क्या होता है, जो क्लर्क वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा सा, हाँ वो अलग बात है कि थोड़ा सा वैकेंसी डिक्रीज हो सकती है। इसमें नहीं होगी, मतलब कि फर्दर कभी रिक्रूटमेंट आएगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगी, ये 100% आप मान के चलो। और जहाँ तक बात रही गोरखपुर की, वो एक एग्जाम्पल दिए थे किसी ने कि गोरखपुर में तो हो गया। देखिए, गोरखपुर में जो रेलवे जो देते हैं अपना कि हमारे ऑफिस में कितनी इम्प्लाई की कमी है, उनमें उस उन्होंने गलती कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ लफड़ा हुआ। जो गोरखपुर जोन में जो लफड़ा हुआ कि वहाँ सीटें से ज़्यादा वैकेंसी निकाल दी गई, क्या हुआ कि अगर सपोज 10 वैकेंसी वहाँ पे खाली है तो 10 की जगह 100 लिख दिया गलती से। ठीक है, रेलवे इम्प्लाई है, मतलब कि हो जाता है, मतलब कि पढ़ाई छूट जाती है तो ऐसा दिमाग हो जाता है। तो 10 की जगह 100 लिख दिया, अब 90 एक्स्ट्रा बच्चे आ गए तो उसको कहाँ पे उसको फिट किया जाए। तो ये गलती हुई थी, ये तो आप कह सकते हैं ह्यूमन इरर था, तो वो अलग चीज़ है, उसको आप इसमें ना जोड़े कि वहाँ पे कम हो गया। हालांकि उसको ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने रिक्रूट कर लिया तो ऐसा नहीं है कि उनको कहेंगे कि तुम्हारा रिक्रूटमेंट नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है कि उनको कब बुलाया जाएगा, जब ज़रूरत होगी, यानी कि जब ज़रूरत होगी मतलब कि धीरे धीरे उनको भी बुलाया जाएगा। अगर उन्होंने गलती किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अपॉइंटमेंट मिलेगा। यानी कि रिक्रूटमेंट होने के बाद किसी को रेलवे निकाल नहीं सकता, जब तक कि आप मेजर मतलब कि गलती ना कर दें। मेजर गलती मतलब कि इतना बड़ा गलती कर दें जिससे कि रेलवे को लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए ना, तो ये जब तक इतना बड़ा गलती नहीं करते हैं तब तक रेलवे, रेलवे क्या गवर्नमेंट में कोई भी किसी को नहीं निकाल पाता है। ठीक है ना, कितना भी लेवल का आप, छोटा लेवल ग्रुप डी का भी इम्प्लॉय है ना, फिर भी आप एक ऑफिसर के जैसे मतलब कि रखते हैं अपनी डिग्निटी की, वो भी उतना ही मतलब हकदार है उस रेलवे जॉब के लिए जितना कि एक ग्रुप डी का बंदा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई किसी के मतलब एक अंडर नहीं है। हाँ, हम रेलवे के अंडर काम करते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करते हैं। एक ऑफिसर होता है, एक पद होता है, उसके अंडर काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी कोई वहाँ पे किसी से कम है। ठीक है, आप ग्रुप डी के बंदे हैं और आप GM हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी सरकार के लिए काम करते हैं या देश के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी या कोई भी ग्रुप डी का बंदा भी देश के लिए करता है, तो मतलब दोनों का लेवल वही है। बस सिर्फ ये डिग्री जो होता है ना, पद में थोड़ा सा आप कह सकते हैं वेरिएंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रुप बी का बंदा को कुछ अहमियत ही नहीं, किसी को भी कभी भी निकाल सकता है, ऐसा नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब में। तो ये मैं बताने की बात कर रहा हूँ कि आपका वैकेंसी इसमें कुछ भी नहीं डिक्रीज होगा। और जो कटिंग की बात की जा रही है वो एक्सपेंस कटिंग की बात की जा रही है, जो कॉस्ट कटिंग की बात की जा रही है वो इस तरह की कटिंग की बात की जा रही है। ठीक है, कि जो OT वगैरह है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, और जो आपके TA वगैरह है उसको कम कर दिया जाएगा, इस तरह की बातें की जा रही है, जिसको आप लोग को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि वैकेंसी ही कम कर दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। और भी जो आपकी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, तो मज़ा आएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।